अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। या रब्बी, हमारा मकसद मुसलमानों के उन इलाकों की जो कुफार के कब्जे में है और अल-कुद्स की आजादी है, हमें अपनी जनाब से फतह नुसरत अता कर। आमीन आमीन। अपने अजीम मकसद की खातिर हमारे लिए ये कैदोबंद जिल्लत नहीं, इज्जत है। और अगर हमें इस मकसद की खातिर मरना है तो हमें शहादत की मौत अता की जाए ऐ हमारे रब। आमीन आमीन आमीन। मेरे होते हुए तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं उनसे सौदेबाजी करके ये मसला हल कर चुका होता। मैं ताबूत सकीना की अहमियत आप पर कई बार वाजे कर चुका हूँ, किस तरह की सौदेबाजी करते हैं आप उनसे? हमारे साथ अब तक जो कुछ हुआ उसी ताबूत की वजह से हुआ है। सलाहुद्दीन ही क्यों हर मुसीबत की जड़ है? तुम्हारी वजह से मेरा भाई उनका कैदी है। हया नहीं आती तुम्हें मशवरा देते हुए। ताबूत उनके हवाले नहीं करना, सुल्तान नूरुद्दीन यही चाहते थे। आपको मेरा एतबार नहीं, कोई बात नहीं, सुल्तान की बात का तो एतबार करें। कल सुल्तान को दुश्मन के शिकंजे से निकाल लाऊंगा, उनकी किसी चाल में ना आइए। एक कदम भी नहीं उठाओगे अपनी मर्जी से। कारातिगन को कबीला गा का सरदार बना दिया गया है, तुम उससे वफादारी का अहद करोगे और कबीला गा से बाहर एक कदम ना निकालोगे। कारातिगन मेरी कबीला गा में आबाद हो जाए, किसी हाल में कबूल नहीं है मुझे। वो है कौन जो उससे वफादारी का अहद करो? तुम्हारे भाई तुरान शाह ने कारातिगन के थप्पड़ मारा जो मेरे मुंह पर लगा, और मुझसे सरकशी रियासत से सरकशी है, उससे वफादारी का अहद न करने का मतलब है मुझसे सुल्तान कायम मकाम से गद्दारी। मैं जी जान से सुल्तान का वफादार हूँ और मुझे उन्हें दुश्मन के हाथों से बचाना है। अब जब वो तख्त संभाल लेंगे हर एक मसाला खुद ही हल हो जाएगा, खास तौर पर जो मसाइल आपकी वजह से हैं। तुम्हें सुल्तान की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनके सहारे के बगैर अपनी जिदें पूरी नहीं कर सकते, और आज के बाद से सुल्तान नूरुद्दीन भी मेरे फैसले तब्दील नहीं कर सकते। और आप, मैं खुद देखूंगा कि सुल्तान को किस तरह बचा कर लाना है। और मैं कह चुका कि तुम अपनी कबीला गा से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे, वरना सलाहुद्दीन तुम सबको जिला वतन कर दूंगा। सारा खानदान